आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक ट्री हाउस, वो भी इस लेक के बीचों बीच में इस ट्री के ऊपर। आप क्या करोगे, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना और आप ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इस इम्पॉसिबल मिशन को पूरा करते हैं। तो चलो फटाफट से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो जमीन के ऊपर घर बनाना इतना चैलेंजिंग होता है, लेकिन हम तो जो है पानी के अंदर वो भी पेड़ के ऊपर घर बनाने वाले हैं, तो ये कितना ज्यादा मुश्किल होगा आप समझ सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। आप देख सकते हैं कि हमने एक जुगाड़ू बोर्ड बनाई है जो की कार के ऊपर टंगी हुई है। चलो चलो सारा सामान वहाँ पे लेक में लेके चलते हैं, बोट वगैरह सबको। आधी टीम पहले से वहाँ पे पहुँच गई है। चलो चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। तो गाइस यार इसके अंदर हम बनाने वाले वहाँ पे जो ट्री दिख रहा है ना वहाँ पे हम बनाएंगे घर। यहाँ पे एक बोट पहले से तैयार है, दूसरी वाली इसको उतार जल्दी। यहाँ पे एक हमने रस्सा ही बंधवा दिया है क्योंकि ऐसे तैर के जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो रस्सी की सहायता से फटाफट पेड़ तक जाएंगे और घर बनाएंगे। उतारो गाइस, इस पे सवारी जाएगी उस पे सामान लोड कर दिया, चलना। क्या हुआ गाइस, इसलिए वीडियो में डर गया था तो इसको माफ करते हैं, और ये और हमें भी डराएगा, खुद भी डरेगा क्योंकि रात भर काम करना पड़ेगा। चलो खाच चमना खाच। यार ये हम निकल पड़े, ये जो रस्सी है ये बहुत काम आ रही है, वरना पैडल चला के या फिर चप्पू से वहाँ तक पहुँचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। हमारे साथ है सर्वाइवल एक्सपर्ट मिस्टर कदम जी, जो कि ऐसी किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए सक्षम है। इधर देखिए, स्माइल कीजिए सर। और पीछे आ रहे हैं हमारे बहादुर सिपाही चमन जी, और कैमरा मैन जो है आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इनको बहुत सारी कस्में दी गई, तब जाके भाई एक बार हाथ हिला दियो। भाई पिछली बार क्या हुआ था तेरे साथ? तो भाई इससे कोई भी मत पूछना पिछली बार क्या हुआ था। फोन की सेफ्टी के लिए, फिर कैमरे की सेफ्टी के लिए ये छोटी सी ये चीज है, बहुत बड़ी तेजी से जा रही है, खींचो। तो गाइस यार ये पहुंच गए हम पेड़ के पास के अंदर। पहले हम जो है वो जो घर है उस पेड़ पे बनाने वाले थे, लेकिन अभी जो है उस पेड़ के ऊपर सांपों ने अपना घर बना लिया। काफी ज्यादा सांप वहाँ पे, साथ साथ कई सारे पक्षियों ने भी घर बना रखा है, तो हम उनका घर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे बनाएंगे। ये रहे हमारे जवान। और भाई क्या हाल है, इंजॉय कर रहे हो? मुझे पता है इनकी तबीयत खराब हो गई होगी। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? हवा चल रही है, ये पेड़ की सग रहा है। तो गाइस अब जो है इसको हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं, बांधो बांधो, एंकर डालो और इसके ऊपर हम बनाएंगे घर। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार नजारा है, ऊपर चढ़ के फिर मैं आपको बताता हूँ। ओ अच्छी जा रही है, तो बच जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस पेड़ को हमने इसलिए चुना है क्योंकि इस पे घर बनाना मुझे थोड़ा इजी लग रहा है। और भरो 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 ओए बाबा, अरे पेड़ कहाँ जा रही हो? तो गाइस यार यहाँ पे एक बहुत तगड़ा इल्यूजन होता है, अगर आप पानी को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है ये जो पूरा पेड़ है यही पीछे की सक रहा है, बाकी आप देख सकते हैं कि नीचे जो है सख्त सतह नहीं है, तो काम करने के लिए हमें पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अब आप समझ सकते हैं कि इस पेड़ के ऊपर घर बनाना कितना ज्यादा टफ होगा, लेकिन हम करके रहेंगे क्योंकि हमने वादा किया था, क्योंकि आपने लाइक एम पूरा किया था। उस वीडियो के अंदर बहुत गंदे सीन हुए थे, वो जो पिछली घोस्ट वाली वीडियो थी, नहीं देखी तो जाके देख लेना भाई। गज्जू डर गया था, दिनेश डर गया था, इनकी वजह से मैं भी डर गया था, मुझे नहीं पता कि वो भूत। हाँ बाकी ये है घोस्ट लेक, भूतिया तालाब, भूतिया जगह, रात को यहाँ पे नहीं रुकना है, देखेंगे। तो गोविंद भाई कुछ कहना आपका? इधर जा रहा है पूरा पेड़, इधर जा रहा है यार। प्लेटफॉर्म के लिए आप देख सकते हैं कि हमने दोनों बोट्स को इस तरीके से बांध दिया है, अब यहाँ पे खड़े रह के हम काम कर सकते हैं। घर बनाने के लिए इन बांस का इस्तेमाल करेंगे, तो अब यहाँ पे सबसे पहले प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उसके बाद में घर के आगे का काम होगा। भाई बनाए फिर? हाँ बिल्कुल बनाए, बनाए भाई, बनाए बनाए, चलो।
ये बोट का इंजन है और मैं आपको कहना चाह रहा था कि भैया गुड मॉर्निंग, चले चले चलो इंजन से स्टार्ट कर, स्टार्ट वहाँ पे करेंगे। टमाटर कड़ी छाछ ये रोटी उसको वही वॉकी टॉकी पे उनको संदेश भेज, पीने का पानी भी भेजे। ओते ये कौन सा गेट है भाई, ये तो बंद दे। गाइस तीसरा दिन भी कंप्लीट हो गया, बाय बाय घर, कल मिलते हैं, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, ये उसको कल मिलेंगे। अरे अरे उड़िया 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 अरे अरे उड़िया तो अपना घर बन गया है? अभी जाके घर बनाओ है पूरा। किसने बनाया अभी? हम मैं वहां जाके घर बनाओ पूरा पूरा। हाँ सही में कितना काम बाकी उसका? अरे बनाओ पूरे चमन, कितना काम बाकी उसका? जल्दी उठ, किसने बना दिया? रात को कर दूं पूरा बाकी पड़ा है वो तो पूरा बन गया घर। नहीं, नहीं यार सही में। अरे मान ही नहीं रहे तुम, और अगर नहीं बना हुआ तो इसको इसको हाँ, पक्का पक्का डन। चल चल चलो चलो जल्दी आओ। कर दिया वहाँ पे घर सच में बना हुआ है, लौंडा चले। चलो तो गाइस यार सेना तैयार है बिल्कुल हमला बोलने के लिए। उनकी बोट डूबने वाली है। तो गाइस यार ये पहुंच गए हम फाइनली हमारे ट्री हाउस पे, आपको शुरू से दिखाता जाता हूँ। तो ये देखो पानी के अंदर हमारा घर है, यहाँ पे झूला लटक रहा है, ऊपर चढ़ने के लिए हमने एक सीढ़ी लगा रखी है। ये देखो नीचे बहुत सारे जुगाड़ किए कि कैसे इसको टिकाया जाए। तो नीचे से जो हमारा घर है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ये देखो। तो सीढ़ी के पास चलते हैं और आपको लेके चलते हैं हमारे ट्री हाउस के अंदर।
वेलकम टू आवर ट्री हाउस। तो ये इस तरीके से हम ऊपर आ गए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर आते ही सबसे पहले आपको इधर की साइड में कमाल का नजारा देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे मछुआरे हैं, पता नहीं यहाँ पे क्यों आए हैं। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो इधर से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये देखो, इधर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इधर भी पानी ही है। ये देखो, इधर भी जो है नीचे पानी है। तो भैया दूसरी साइड से भी सिर्फ और सिर्फ पानी है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी कंडीशंस के अंदर हमने इस घर को बनाया है। तो इधर से ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ये देखो साइड से। तो गाइस पीछे आप देख सकते हैं कि पीछे से भी हमने जितना सफाई से काम किया जा सके उतनी सफाई से काम करने की कोशिश की। ये देखो पीछे से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। नीचे जमीन से सपोर्ट के अंदर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब जमीन से लग के कोई भी चीज नहीं आ रही है। इधर बहुत खूबसूरत सा पेड़ है, ये देखो। और हमने कोई भी ऐसा वो चीज नहीं की है, सभी जगहों से बस रस्सी का इस्तेमाल किया है। पहले हम जो है ये जो घर है उस पेड़ पे बना रहे थे, उस वीडियो के अंदर उसी के पेड़ के लिए हमने बोला था। लेकिन उस पर घर बनाने के लिए हमें उस पेड़ को काटना पड़ता, जो कि हमने नहीं किया। हमने इस पेड़ का चुनाव इसलिए किया क्योंकि इस पेड़ की गुड़ाई, हमारे यहाँ पे गुड़ाई बोला जाता है, बरसात होने से पहले अक्सर ये वाले जो पेड़ होते हैं इनकी हल्की हल्की सी कटिंग कर दी जाती है ताकि बरसात के अंदर जो है वो मतलब नई वो फूट जाती है, मतलब नई कलाएं और जो भी मैं वर्ड नहीं बोल पा रहा। और फिर ये जो चीजें होती है इन्हें भेड़ बकरियों को खिलाया जाता है। तो चारा खाने के लिए, हालांकि ये हमारा पेड़ नहीं है, जिसका भी है पेड़, तो इसकी पहले से कटाई हो रखी थी हल्की 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 ताकि जब बरसात आए तो फिर से अच्छा हो, हरा भरा हो जाए। तो इसीलिए हमने इस पेड़ का चुनाव किया। सामने से हमारा जो घर है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये रहा हमारा गेट, गेट कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे एक झूमर लटका रखा है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस घर के अंदर। 1 2 3 मुझे पता है अंदर से आप देखते ही इस वीडियो को लाइक कर दोगे। वेलकम टू आवर ट्री हाउस। तो गाइस यार क्या आप सोच सकते हैं, ये इतना खूबसूरत और इतना अच्छा जो घर है वो एक पेड़ के ऊपर है और जो पेड़ है वो पानी के अंदर है। तो सोचो कि पानी के अंदर काम करते हुए हमने इतना परफेक्ट और इतना खूबसूरत घर बनाया। क्योंकि यार काफी टाइम से आप लोगों की डिमांड आती थी भैया ट्री हाउस बनाओ, ट्री हाउस बनाओ। मैंने कहा यार कि अगर आपका भाई बनाएगा ना तो वो आपके लेवल का ही होगा, बिल्कुल अलग हटके और एक परफेक्ट चीज। अभी नीचे से आपको दिखाते हैं, ये जो पेड़ है ये यहाँ से पहले से कटा हुआ था तो इस पे जो है हमने ये कलर कर दिया है हल्का सा। यहाँ पे पानी पीने के लिए सुराही रखी हुई है, मुड्डा रखा हुआ है, एक और मुड्डा रखा हुआ है। ये वाला जो तना है ये भी पहले से ही कटा हुआ था, मैंने सोचा कि इसको नहीं काटते, इसको इसके अंदर ही रहने देते। तो हमने जो है नीचे से अच्छी तरीके से बांस वगैरह के अंदर कटिंग करके इसको अंदर रखा है। ये रहा एक अच्छा सा तना, ये भी अंदर से ही जा रहा है तो हमने इसे भी अंदर ही छोड़ दिया। ये इधर से जाते हुए बाहर निकल रहा है खूबसूरत तरीके से और हमने इसे इतने प्यार से इतने अच्छे तरीके से पैक किया कि आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और कमाल दिख रहा है। जो छत है गाइस, छत आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है, पूरा बांस से ही हमने इसे बनाया है। ये देखो पूरा बांस ही बांस है इसके अंदर। और ऊपर जो है ऊपर इसके अंदर से रोशनी आती है और हवा आती है, तो इसके लिए हम चारा लेके आए और फिर जो है इस पे चारा डाला। अभी ये जो दोनों चीजें इतनी खूबसूरत दिख रही है ना, पहले ऐसी नहीं थी, पहले कुछ इस तरीके की थी। गाइस कलर करने से पहले ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ है ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हमारे चमन भाई कलर करेंगे इस पे, चेंज करो धीरे 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 धीरे। हाँ कर दे। ये जो आप गेट देख रहे हैं ना ये वैसे ही इतना खूबसूरत लग रहा था, ये लगाने से पहले कुछ इस तरीके का दिखाई देता था। आपकी क्या राय है, आप बताओ कि ये अच्छा लग रहा है या इसके बाद में जो है वो अच्छा लगेगा, पहले ये ऐसा था और ये लगाने के बाद अब ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। जो फर्श है गाइस, फर्श के अंदर भी हम बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि फर्श को हम ट्रांसपेरेंट रखें यानी कि नीचे पानी दिखता रहे और या फिर हम ये घास बिछाए। तो ये घास बिछाने से पहले ये जो फर्श है कुछ इस तरीके का दिखाई देता था। यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी चारपाई रखी हुई है जिसपे हमारे जो कारीगर है वो सो सके अच्छी लग रही थी तो रख लिया। यहाँ पे बिस्तर रखे हुए गाइस, इसके अंदर हमने ज्यादा फालतू की चीजें अभी नहीं डाली है, इनमें से बहुत प्यारी हवा आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक खिड़की है, खिड़की से हम बाहर देख सकते हैं पर्दा हटा के, तो बाहर का जो नजारा है वो यहाँ से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। सोचो यार आप सुबह उठे और खिड़की से बाहर निकले और आपके सामने ऐसा व्यू हो जहाँ पे बहुत सारी बतखें तैर रही हो, देखो पूरी चारों तरफ हरियाली हरियाली और शांति। यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं, कोई बिजली नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी चीजें नहीं है, बस है तो सिर्फ और सिर्फ सुकून और शांति।
और सारा जो काम है वो एक्चुअली हमें फोन से ही शूट करना पड़ा, बिकॉज हम जब कैमरे से शूट कर रहे थे तो हमारे साथ दिक्कत ये होगी कि हमारा एक कैमरा जो है वो फिसल के पानी के अंदर गिर गया था। इस वीडियो से कमाए ना कमाए कुछ नहीं, इससे जो भी रेवेन्यू होगा उससे ज्यादा तो हमारा कैमरा था। लेकिन हाँ, ये है कि एक दिली ख्वाहिश थी, बचपन का एक सपना होता है यार कि एक ट्री हाउस हो, और ट्री हाउस भी अगर ऐसी किसी लोकेशन पे हो तो भैया इससे ज्यादा चाहिए ही क्या, बताओ क्या चाहिए। अब जो है अगर आप चाहते हैं, मुझे तो पता आप चाहेंगे और हम भी चाहेंगे कि हम इसके अंदर 24 आवर चैलेंज करें। तो फाइनली ये था हमारा ट्री हाउस। भाई अपने लेवल का आया नहीं है, यही अपने लेवल का क्या, ये अपने लेवल का है, इसे कहते हैं ट्री हाउस। तो मैं वीडियो यही खत्म कर देता हूँ, ना वीडियो चक्कर में ये चमन को जो है वो करेंगे। तो अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब हम 24 घंटे इसके अंदर गुजारेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस। आपकी वजह से आज हम अपने भी सपने पूरे करते हैं, और जो हम बचपन में सोचा करते थे ये तोड़ देंगे यार इस घर को। 24 मैं सोच रहा हूँ रहने देते हैं यार, मैं अकेला ही रुक जाऊंगा, इनको नहीं रखूंगा, मुझे बताया, लेकिन ये तोड़ देंगे इसको। हम सब रुकेंगे। अरे तो तुम तोड़ो मत इसको, आज के लिए उसने किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।